स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं डिश न्यूज चैनल। यदि आपके वीडियो कॉन सेटअप बॉक्स में सिग्नल नहीं आ रहे हैं तो उनको कैसे सेटिंग करेंगे, आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। यहां पर हमारे सिग्नल नॉट अवेलेबल लिखा आया हुआ है, तो इसमें करना क्या है, अपने सेटअप बॉक्स के मेन्यू बटन प्रेस कर देना है। मेन्यू प्रेस करने के बाद अपना सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाएंगे तो सबसे लास्ट में इंस्टॉलेशन नजर आएगा, इंस्टॉलेशन पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पासवर्ड मांगेगा तो 1234 डाल दीजिए। फिर सबसे पहले आपको यहाँ दो ऑप्शन नजर आएंगे, यूजर सेटिंग और बॉक्स सेटिंग। आपको बॉक्स सेटिंग में चले जाना है। अब इसमें सैटेलाइट मैनेजमेंट सिलेक्ट करेंगे। अब फिर दोबारा पासवर्ड मांगेगा तो यहाँ पासवर्ड डालना है अपने कार्ड का चौथा, छठा, आठवां और दसवां नंबर। अपना जो कार्ड है इसमें सेटअप बॉक्स में लगा हुआ, उस कार्ड को निकालिए, उसमें नंबर लिखे होंगे, उसमें से फोर्थ, सिक्स, एट्थ और टेंथ नंबर को यहाँ डाल दीजिए। अब मैंने डाल दिया है, ये हमारा आ चुका है सिग्नल। तो यहाँ पर अब हमें नीचे सिग्नल देखनी है, क्वालिटी और स्ट्रेंथ को। तो इस टीपी को ऐसे ही रखेंगे और अपने एंटीना की तरफ चलेंगे। एंटीना की जो LNB है उसका स्क्यू अपना इस प्रकार रखिए, इस प्रकार रखने के बाद पीछे खड़े होकर एंटीना के जहां पर आपका ईस्ट और साउथ उनके बीच में अपना एंटीना कर दीजिए। अगर आप बात करें इसके डिग्री की, ये 88 डिग्री पर हमें मिलता है। अप डाउन कीजिए और डीडी फ्रीडीस अगर आपको सेट करना आता है तो उसके राइट साइड में आपको मिलेगा। तो जैसे ही आप एंटीना ऐसे करेंगे तो आपके यहाँ पर इस प्रकार सिग्नल आने स्टार्ट हो जाएंगे। जहां पर सिग्नल आए तो वहां पर अपना एंटीना सेट कर लीजिए। तो यहां पर हमारे सिग्नल आ चुके हैं। तो जहां पर ये सेट हो जाए तो अपना एंटीने को टाइट कर दीजिए, तो ये आपका वीडियो कॉन सैटेलाइट सेट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ये सेट हो चुका है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं हमारे चैनल चलने लगे हैं। और यदि आपके पास MPG4 यानी MPEG-4 कोई भी सेटअप बॉक्स हो उसमें सेटिंग करनी है, उसमें किस प्रकार करेंगे, उसमें भी सेम है, ट्रांसपोंडर ऐड कीजिए और इसको सेट कर लीजिए। किस प्रकार, चलिए देखते हैं। अगर आप MPG-4 में सेट करना चाहते हैं तो किस प्रकार करेंगे, ये अभी डीडी फ्रीडीस लगा हुआ है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है डीडी फ्रीडीस और वीडियोकॉन में, डीडी फ्रीडीस का जो LNB स्क्यू है वो इस प्रकार रहेगा और जो वीडियोकॉन का है वो थोड़ा सा इस तरफ रहेगा, बस इतना सा डिफरेंस है। जब ऐसा कर लेंगे और अपनी को हल्का सा राइट साइड में कर देना है, यानी 0.2 सेंटीमीटर के करीब कर देंगे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ एंटीना कर दीजिए तो आपका ये सेट हो जाएगा। ट्रांसपोंडर हमें क्या रखना है, एक चीज और ध्यान रख दीजिए, यहाँ अगर आप MPG-2 में करना चाहते हैं तो नहीं होगा, MPG-4 में ही कर पाएंगे। ये है इसका ट्रांसपोंडर 11051 हॉरिजॉन्टल 30,000, 11051 हॉरिजॉन्टल 30,000 पर सिग्नल लेकर आने हैं। यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर देंगे तो आपका ये सेट, हल्का सा ऊपर कर देंगे और तो आपका ये सेट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे सिग्नल आ चुके हैं, ये देखिए 93। तो जहाँ पर आपका ये डिश सेट हो, सिग्नल मैक्सिमम आ जाए, तो वहाँ पर अपना एंटीना टाइट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं अब टाइट करने वाला हूँ। तो इस प्रकार टाइट करने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि 95% सिग्नल हमारे आ चुके हैं। तो इस प्रकार MPEG-4 में आप सेट कर सकते हैं, MPG-2 में नहीं होगा, केवल MPEG-4 में ही इस प्रकार सेटिंग कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए।